नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल डीके किचन गार्डन में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्याज का सल्के का क्या यूज है, इसका फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं और इसकी प्रोसेस कैसी होती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पौधों के लिए मिट्टी से ज़्यादा ज़रूरी खाद होता है। दोस्तों, मिट्टी में तो आप लगा देंगे पौधा, लेकिन उसके लिए खाद नहीं मिलेगा दोस्तों तो क्या वो पौधा हो पाएंगे? आप भी जानते हैं ये बात। तो वो पौधा उग आएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन वो फल फूल नहीं दे पाएंगे। तो इसी प्रकार उसको हमें फर्टिलाइजर, यानी कि उसको खाना के रूप में हमें फर्टिलाइजर देना उतना ही ज़रूरी होता है जैसा कि हमारे लिए खाना की ज़रूरत होती है। ऐसा ही उनके लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स आने की फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे गार्डनिंग शुरू की हुई लगभग 2 साल हो गए हैं। तो मुझे इतना तो अनुभव है दोस्तों, किस पौधे के लिए किस खाद की कितनी मात्रा ज़रूरत होती है, कितनी मात्रा में और कैसे देना होता है, क्या करना होता है, ये सब मुझे इतना तो अनुभव हो गया है। तो बस इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्याज के सिलके से कैसे खाद बनाते हैं और इसका क्या उपयोग है, किस किन पौधों में आप डाल सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो प्याज के सिलकों से खाद बनाने के लिए दोस्तों हमें 4 से 5 प्याज चाहिए होती, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, कोई भी प्याज हो, उसके छिलकों को हमें छील लेना है ऊपर के। तो इस तरीके हमें इकट्ठे कर लेना है। इकट्ठे करने के बाद हमें इसको अब पानी की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके छिलके छीलने के बाद में आपको इकट्ठे कर लेना है किसी बर्तन में, उसके बाद में आपको इसमें पानी मिला देना है। पानी इस तरीके का मिलाना है आपको कि ये पानी पूरे डूब जाए, मतलब पूरे पानी में गीले हो जाए। इस तरीके पानी में ये पूरे भिगो के रखना है कम से कम 24 घंटे तक। 24 घंटे तक ये रखने के बाद में दोस्तों, अब हम इसको 24 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसा होता है। इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, 24 घंटे हो चुके हैं, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए। तो देखिए, 24 घंटे बाद कुछ इस तरह का कलर हो गया है प्याज की छिलकों का, आप देख सकते हैं। तो इन छिलकों को मैं ऐसा निचोड़ के इस प्लेट में रख देता हूँ इस तरीके का, और आप देख सकते हैं ये हमारा कांच का गिलास है। कांच के गिलास में मैं इसको देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, खाद की पहचान यही होती है जब आपके छिलकों का कलर कुछ इस तरह आ जाए, देख सकते हैं आप। ये वाव, क्या सफल लग रहा है दोस्तों, ये तो शराब जैसा लग रहा है। तो देखिए, जब इस तरीके का कलर आ जाए तो आप समझ लेना चाहिए कि आपका खाद बनके तैयार हो गया है। ये प्योर नेचुरल है दोस्तों, ये प्योर नेचुरल है, इसमें कुछ मिलावटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको पता है होना चाहिए कि इस प्याज के छिलकों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण होते हैं, और विटामिन सी का ये भरपूर स्रोत होता है। इसकी वजह से ये हमारे पौधों में खाद का काम तो करता ही दोस्तों, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इसका अच्छा रखता है पूरे पौधों का। तो दोस्तों, ये हमें हफ्ते में एक आध बार तो यूज कर लेना ही चाहिए, और सबके घर में प्याज के छिलके फालतू फेंके जाते हैं, तो हमको पहले उनको एक किसी बर्तन में, खाली बर्तन में कम से कम 2-3 दिन 4 दिन के इकट्ठे कर लेना चाहिए। इकट्ठे कर लेने के बाद में हमें इस तरीके का ये जैविक फर्टिलाइजर है, जो बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खाद है, इस तरीके का बना के हम फूल वाले पौधों में और
फल वाले पौधों में, जितने भी हमारे पौधे हैं, चाहे सब्जी वाले हों, बेल वाले हों, सब में हम ये सब दे सकते हैं। और इसकी रही बात, तो इसको हम दोस्तों मिट्टी में इसको दबा देंगे या फिर हम, तो ये क्या है, ये भी कंपोस्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो ये भी हमारा ये खाद का ही काम करेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा इसमें पानी मिला लेता हूँ। पानी मिलाने के बाद में मैं इसका आपको डाल के बताऊँगा पौधों पर। तो हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो अब दोस्तों मैं इस 1 लीटर के डिब्बा में इसको मैं डालता हूँ ये, और इसके बाद में मैं इसमें कम से कम इतना ही पानी मिला लेता हूँ। एक गिलास में 1 लीटर का ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसको पौधों पर डाल के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। तो ये हमारी ककड़ी की बेल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये डाल देता हूँ। तो ये हमारे लिए, इसमें जो भी रोग वगैरह होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। और इसमें जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों कि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और बहुत भी पोषक तत्व होते हैं इसमें। तो इसमें जो भी कमी होगी इससे पूर्ति हो जाएगी और ये हमारे रोगों से भी रक्षा करेगी। ये हमारे करेला का बेल है, देख सकते हैं आप। ये हमारी कितनी अच्छी अपडेट है। तो इसमें भी मैं डाल देता हूँ ये, और थोड़ा सा बचा है तो मैं अपने टमाटरों में डाल देता हूँ। तो इस तरीके का आप चाहे तो कोई भी पौधों में, फल वाले हों, सब्जी वाले हों, फूल वाले हैं, सब में आप डाल सकते हैं। और लास्ट में ये हमारा गुलाब का पौधा है, जो देखिए दोस्तों कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो मैं इसमें भी डाल देता हूँ ये, इधर ये मैंने डाल दिए हैं गुलाब के पौधे पर। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी बागवानी, किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग से संबंधित आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।